वेदर अवेयर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हमें जानना क्यों आवश्यक था और जानने से क्या क्या लाभ। वैद्युत आवेश जो है हम अपने लाइफ में देखते हैं कि बादल से बिजली चमकती है या हम कोई अचानक पदार्थ है जैसे प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, इसको अपने बालों के साथ रगड़ते और इससे जब हम क्या करें कि लोहे के सॉरी पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को टुकड़े के पास अगर हम लेकर जाए तो हम पाते हैं कि ये रगड़ी हुई पेन या अचानक पदार्थ उन पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। वैद्युत आवेश इन्हीं सब कारणों से शुरू होता है, इन्हीं सब प्रयोगों से शुरू हुआ। सर्वप्रथम आज से 2500 साल पहले एक थेल्स नाम के दार्शनिक ने इन सब प्रयोगों को करके देखा। उसके बाद देखा तो ये पाया गया कि जब दो पदार्थों को हम आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों आवेशित हो जाते हैं। कैसे? तो हम दोनों को रगड़ते हैं और जब दोनों को एक पास लाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के बीच स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है। जब इसका हमने रीजन जानना चाहा कि ये चिंगारी उत्पन्न कैसे हुई तो हमने पाया वैद्युत आवेश। इसका रीजन ये था कि जब हम दोनों पदार्थों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाते हैं और उनका जो गुण होता है वो वैद्युतीय होता है, इसीलिए उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो उन पर वैद्युत आवेश आ गए हैं। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। अभी कैसे पता चला हमें, तो हमने प्रैक्टिकल किया, हमने प्रैक्टिकल किया, पहले लिया हमने आपको कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसे? तो हमने क्या किया कि चार पदार्थ लिया, कौन कौन पदार्थ, चार पदार्थ लिए, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली की खाल। हमने क्या किया, रेशम के कपड़े से एक कांच की छड़ को रगड़ा और एक पॉइंट पे लटका दिया, फिर दूसरे रेशम के कपड़े के साथ हमने दूसरे कांच की छड़ को रगड़ा और एक पॉइंट पे लटका दिया। ठीक यही प्रक्रिया हमने प्लास्टिक की छड़ और बिल्ली के खाल के साथ किया। और जब दो कांच की छड़ों को हमने एक बार एक पास लटकाया या दो प्लास्टिक की छड़ों को एक पास लटकाया तो हम पाए कि कांच की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, ये कांच की छड़े एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिकर्षित कर रही हैं। और सेम यही प्रक्रिया प्लास्टिक के कण के साथ साथ भी है। हम देख रहे हैं प्लास्टिक कण भी एक दूसरे को क्या कर रही है, बताओ, प्रतिकर्षित कर रही है। लेकिन जब हम एक प्लास्टिक की छड़ को लेते हैं और एक कांच की छड़ को लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों छड़े एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। देखो
ये इससे क्या जुड़ रही है और ये इससे क्या जुड़ रही है, आकर्षित कर रही है। तो यहीं से हमें अनुभव हुआ कि जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ रहे हैं तो इनमें दो तरह के गुण आ रहे हैं। इनमें क्या आ रहा है? दो तरह के गुण आ रहे हैं। यहाँ पे सेम प्रकार की सेम पदार्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है और यहाँ पे हमने अलग कर लिया तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। इसी आधार पर एक वैज्ञानिक अमेरिकन वैज्ञानिक ने आवेश, जो ये हमने बताया आपको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसी आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनका नामकरण किया कि इसमें से एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश। कैसे? तो उन्होंने बताया कि जब आप कांच की छड़ लेते हैं, रेशम का कपड़ा लेते हैं, दोनों को रगड़ देते हैं, दोनों को रगड़ने के बाद हम पाते हैं कि दोनों पे आवेश आ जाते हैं। दोनों पे क्या आ जाते हैं? आवेश आ जाते हैं। और फिर उन्होंने इन दोनों को आपस में स्पर्श करा। जब इन दोनों को आपस में स्पर्श कराया और फिर कांच की छड़ को पुनः यहां पर लगाया तो ये कांच की छड़ पहले की भांति किसी प्रकार की इससे क्रिया नहीं कर रही थी। क्रिया करने का मतलब यह है कि इससे प्रतिकर्षित नहीं हो रही थी, समझा? इससे क्या हो रही थी? प्रतिकर्षित नहीं हो रही थी। तो उन्होंने इस बात को ऐसा समझाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, तो पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। कैसे? तो कोई भी संख्या जीरो तभी होती है यदि हम प्लस तीन ले लें और इस तीन के साथ प्लस तीन के साथ माइनस तीन को जोड़ दें तो हमें योगफल क्या होगा? जीरो प्राप्त होगा। यही ठीक प्रक्रिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहां पे बताया कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो इसमें कोई इन दोनों में कोई ऐसा गुण है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं और जब स्पर्श करा देते हैं तो फिर पूरा अवस्था में दोनों आ जाते हैं। यानी कि ऐसा हो रहा है कि एक पे जो आवेश आ रहे हैं दूसरे पर इस आवेश के विपरीत आवेश आ रहा है, तभी दोनों एक दूसरे से स्पर्श हो रहे हैं तो रिजल्टेंट इनका जो परिणामी आवेश हो क्या हो रहा है? जीरो, शून्य प्राप्त हो रहा है। और इसी आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें से एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। उन्होंने क्या बताया कि इसके आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि इसमें से एक जो आवेश होगा वो धनात्मक होगा और जो दूसरा आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा। प्रैक्टिकल करके ये बताया गया कि जो कांच की छड़ होती है वो धन आवेशित होती है और जो रेशम का कपड़ा होता है वो ऋण आवेशित होता है। इसी प्रकार जो बिल्ली की खाल होती है वो धन आवेशित होती है और जो प्लास्टिक की छड़ होती है वो ऋण आवेशित होती है। अब यहां से हम एक शर्त प्राप्त कर रहे हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहां पे ये भी कांच की छड़ है, ये भी कांच की छड़ है, जब इसको हम एक ही पदार्थ से रगड़ रहे हैं इसको भी उसी पदार्थ से रगड़ रहे हैं तो ये फिक्स है, इस पे माइनस चार्ज होगा तो इस पे भी माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज होगा और इस पे प्लस चार्ज होगा। जब इन दोनों को हमने पास में रख दिया तो हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक यही क्रिया प्लास्टिक के छड़ के साथ हो रही है। तो यहां से एक सिद्धांत बनकर आया कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार, यहां देखिए कांच की छड़ पे कैसा आवेश है? धनात्मक। प्लास्टिक की छड़ पे कैसा आवेश है? ऋणात्मक।
विपरीत प्रकार के आवेश हो गए, दोनों छड़ों में विपरीत प्रकार के आवेश हो गए और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। समझ आ गया? ये जो धन आवेश और ऋण आवेश प्राप्त हो रहे हैं, ये किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता से प्राप्त हो रहे हैं। हम जानते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ वो किसे मिलकर बना होता है, तो अणु से मिलकर बना होता है। अणु किसे मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो है तीन मूल कणों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और जो तीसरा होता है वो होता है न्यूट्रॉन। और किसी भी पदार्थ पर कमी अथवा अधिकता के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है। यदि किसी पर अब हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है वैद्युत रूप से उदासीन होता है, इस पर किसी प्रकार का भी आवेश नहीं होता है, यानी कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन एक धन आवेशित कण है। समझ रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन जो है एक धन आवेशित कण है। तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से जुड़ते हैं और परमाणु का जो आवेश होता है वो हो जाता है शून्य। अब यहाँ पे या तो हम इलेक्ट्रॉन पे आवेश बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दें परमाणु में, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर दें। तो जब हम इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो परमाणु जो है ऋण आवेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें परमाणु से तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु पर ज्यादा हो जाएगी, और जो परमाणु है ये धन आवेश हो जाएगा। तो प्रयोग अनुसार ये पाया गया कि जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ते हैं तो इनकी संरचना कुछ ऐसे नहीं होगी, कुछ इस प्रकार होगी। अज्यूम किया गया कि कांच का परमाणु ऐसे होगा, रेशम का परमाणु ऐसे होगा, और जब दोनों को पकड़ के एक दूसरे पे हम रगड़ेंगे तो कांच का परमाणु रेशम के परमाणुओं में ये जो है ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये परमाणु का नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कांच के परमाणु की बाह्य कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। तो ये बताया गया कि जब दोनों पदार्थों को हम आपस में रगड़ते हैं तो कांच के परमाणु, कांच का जो नाभिक है ये बाह्य कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन पे रेशम के परमाणु की अपेक्षा कम बल लगा रहा होगा। जिससे हमने दोनों को रगड़ा तो कांच के परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉन रेशम के परमाणु के साथ चला गया, यानी कि कांच के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और रेशम के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो अभी मैंने बताया आपको कि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हम हटा दें तो धन आवेश हो जाता है, और किसी परमाणु से हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन डाल दें तो ऋण आवेश हो जाता है। यहाँ पे कांच का परमाणु इलेक्ट्रॉन खो रहा है, जिसके कारण
ये धन आवेशित हो गया और यहाँ पे रेशम का परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है कांच के परमाणु से, अतः ये ऋण आवेशित।